दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं योर ऑनलाइन पार्टनर। एनआईएस डीएलएड की वैलिडिटी को लेकर लगातार अपडेट्स आ रही हैं और लगातार हर तरफ हमारे जो शिक्षार्थी बंधु हैं वो सब लगे हुए हैं कि किस तरीके से वैलिडिटी दे दी जाए। जितनी भी ऑथेंटिकेट बात है और जहाँ जहाँ पर सरकार की तरफ से रोक लगाई जा रही है उन सभी बातों पर यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है। और जैसा कि हमने आपको कल श्री कुमुद सर जी के इंटरव्यू के साथ आपको बताया भी था कि आज से एक महा अनशन शुरू हो रहा है पटना में, जिसमें कि बिहार नियोजन की वैलिडिटी नहीं देने को लेकर ये चल रही है और कहीं ना कहीं इसका एक पॉजिटिव परिणाम आए इसको लेकर ये अनशन शुरू किया गया और उम्मीद की जा रही है कि इसका एक पॉजिटिव परिणाम निकल कर आएगा। ठीक है, और ये तब तक ये अनशन ख़त्म नहीं होगा जब तक कि वैलिडिटी नहीं दे दी जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं और उसके संदर्भ में मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ऑथेंटिकेट जो लेटर है वो जारी की गई थी। पहली लेटर ये जो है ये 22 नवंबर को जारी की गई थी। अगर आप देखिएगा तो 22 नवंबर को ये BSSS यानी कि भारतीय स्वतंत्र शिक्षण संघ के द्वारा ये जारी की गई थी और कहा गया था कि NIS के ODL द्वारा 2017-19 में DLED प्रशिक्षित शिक्षार्थियों को प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 2019-20 में समान अवसर नहीं प्रदान किए जाने की स्थिति में आमरण अनशन शुरू करने के संबंध में। तो ये एक तरह से कहिए तो इन्फॉर्मेशन दी गई थी। ये बेसिकली लीगल प्रोसेस होता है, जब आप अनशन करना चाहते हैं तो आप पहले अपनी मांग रखिए, अगर बिना अनशन के ही मांग मानी चली जाती है तो फिर अनशन की ज़रूरत नहीं है। तो ये रखी गई थी, जैसा कि आप देखते हैं कि 22 नवंबर को ये रखी गई थी और उसमें क्लियरली कहा गया था कि अगर ये मान्यता नहीं दी जाती है ना, अगर ये मान्यता नहीं दी जाती है तो 29 तारीख से अनशन करना पड़ेगा। आप देख लीजिए, विनती की जा रही है यहाँ पर कि हमारी मांगों को पूर्ण कर परम यश के भागी बने, अन्यथा विवश होकर जो है 29 नवंबर से गर्दनी बाग पटना धरना स्थल पर जो है पूरे संगठन के साथ जो है आमरण अनशन शुरू हो जाएगा। ये 22 नवंबर को ये जारी किया गया था और मुख्यमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री और अपर मुख्य शिक्षा सचिव सबको ये जारी किया गया था। इसके बाद आपको पता है उसके बाद कुछ नहीं हुआ, तो फिर आज उसके बाद ये लेटर जारी की गई। आप देख सकते हैं ये लेटर है 29 नवंबर यानी कि आज ये लेटर भेज दी गई और अनशन शुरू हो चुका है। जैसा कि हमने आपको कल ही बताया था कि 11 बजे अनशन शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो लेटर जारी की गई है संघ के द्वारा, उसमें कहा जा रहा है कि प्राथमिक शिक्षक नियोजन में समान अवसर प्रदान करने के संबंध में जो आरोप क्या कहते जो आवेदन दिया गया था उस पर अमल नहीं होने के कारण जो है यहाँ पर अनशन शुरू हो चुका है। और इसमें कहा जा रहा है कि अनशन शुरू हो गया है और इनकी दो मांगें हैं। पहली मांग क्या है? पहली मांग यह है कि 2017-19 में DLED प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक शिक्षिकाओं को प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 2019-20 में समान अवसर प्रदान किया जाए, 2019-20 वाले में ही समान अवसर प्रदान किया जाए। दूसरी बात है, अन्यथा की स्थिति में सरकार या मानवीय न्यायालय के द्वारा मान्यता से अंतिम निर्णय आने तक बिहार राज्य के प्रारंभिक शिक्षक नियोजन पर पूर्णतः रोक लगा दी जाए। ये देखिए एक बड़ी बात है कि अगर मान लीजिए कि डिले हो भी रहा है कोर्ट के ऑर्डर में तो नियोजन पर तब तक के लिए रोक लगा दी जाए ताकि आगे जो भी डिसीजन हो वो सबको मिलकर हो। तो ये दो मांगे हैं और ये दोनों मांगों को लेकर यहाँ पर अनशन शुरू हो गई है। तो लगातार आप देख सकते हैं कि ये जो है अगेन फिर से मुख्यमंत्री महोदय को ये पत्र दिया गया है BSSS के द्वारा और इसमें शिक्षा मंत्री, अपर मुख्य सचिव, उप सचिव, जिला अधिकारी, पुलिस निरीक्षक और MHRD, PMO, NCT एवं NIS सबको ये प्रतिलिपि भेजी गई है और पूरी जो संगठन है वो यहाँ पर ऑलरेडी अनशन में लगी हुई है और अनशन पूरी तरीके से यहाँ पर अब चल रही है। तो दोस्तों पल पल की खबर, पल पल की अपडेट के साथ हम आपके बीच आते रहेंगे और लगातार यहाँ पर जो वैलिडिटी को लेकर चीज़ें हैं और वैलिडिटी मिले इसके लिए हर संभव कोशिश जारी रहेगी। आपका सहयोग जरूरी है, बिल्कुल आप लोग जुड़े रहिए, लगातार वीडियो को शेयर करते रहिए, जो भी लोग पहुँच सकते हैं, जो भी योगदान दे सकते हैं अपना योगदान देते रहिए। हम मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय, जय हिंद।